हेलो दोस्तों, आज मैं बाल बाल बच गया अपने पैसे गंवाने से OLX पर। आइए अब आज हम आपको बताते हैं कि OLX पर किस तरह का फ्रॉड होता है। मैंने आज एक साइकिल सेल का ऐड OLX पर डाला था। इमीडिएटली आधे घंटे में मुझे वहां से मैसेज आया कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम रेडी टू पे द अमाउंट। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा मेरा। जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर दिया, उसने मेरे से फ़ोन पर बात की और बताया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और दिल्ली में पोस्टेड हूँ एंड मैं अपने बेटे के लिए साइकिल ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए गूगल पे अकाउंट चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त का फ़ोन नंबर दिया जिस पर गूगल पे था। उसने क्या किया कि अपना एक QR कोड बनाकर उसने मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर भेजा एंड फिर वो बोला कि वो आप वो स्कैन कर लीजिए एंड उसको प्रोसीड कर लीजिएगा गूगल पे पर एंड मैं आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे दोस्त को पता था कि ये QR कोड सब फ्रॉड है एंड फिर उसने वो किया नहीं। तो उसके बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया और ये आप सुनिए उसने मेरे साथ कैसे कन्विंस करने की कोशिश की। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। वो आपका दोस्त पता नहीं क्या कर रहा है यार। वो मैंने उसको बोला अपनी गूगल पे का ईमेल आईडी थी नंबर दिया मेरे की, उसमें हाई कर दो ताकि आपको आपके मेरी तरफ शो हो जाए। वो हाई भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, उनसे बात करो एक बार। वो एक्चुअली मेरे को उसका फोन अभी जैसे आया था, वो बोल रहा है कि देख ऐसा रहता नहीं है गूगल पे में, डायरेक्ट फोन पर नंबर पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। वो अभी वो कुछ ऐसा वो गड़बड़ हो जाएगा मेरा अकाउंट वगैरह में तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि आप अपने बेटे के अकाउंट में डाल दो, उसको आने दो, मैं रोके रखेगा, जब आएगा मैं दे दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल क्या है उसका पास नहीं हो पाएगा ना। आप ऐसा करो अंकल जी, क्या बोलो आप ऐसा करो अपने दोस्त को रहने दो। आप अपना ATM, आपके पास ATM कार्ड है? नहीं नहीं मेरे पास तो पेटीएम नहीं है ना। नहीं पेटीएम में ATM कार्ड होता ना, बैंक का ATM कार्ड जिससे पेमेंट निकालते हैं अपन। हाँ ATM कार्ड से मैं आपके कार्ड जो कार्ड करा दूंगा पेमेंट। कार्ड टू कार्ड कैसे होता है मालूम नहीं मेरे को। आप ऐसा करो, देखो आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे अपना कार्ड भेज दो। ठीक है, मैं आपको आपको मैसेज आता है ना सर। देखिए कैसे है, आप ये सब जनरेट करने से अच्छा है ना आप ना आपके बेटे के पास भेज दो पैसा जैसे भी रहेगा, तो वो आ जाएगा, साइकिल भी देख लेगा और अब पैसा भी देख के ले जाएगा, साइकिल भी उसने देखा नहीं है। इतना गड़बड़ करने से अच्छा उसको उसको साइकिल उसके लायक है भी क्या नहीं है वो भी तो बात है ना। अरे नहीं अंकल, वो आपकी जो साइकिल है लड़के ने देखी है, मैं उसको फोटो दिखा दूंगी। नहीं वो कहाँ पे रहता है भैया, यहाँ पे चांदनी चौक में। मैं वो ये जो आपको भेजा ना, जो दोस्त का नंबर मैं भेजा था आपको गूगल पे के लिए, वो उधर ही है, बावधान में ही है रहने को। क्या जो गूगल पे वाला नंबर जो भेजा था ना मैंने, अच्छा वो बंदा है ना बावधान में ही रहने को है। आपके घर कहाँ पे है वहाँ पे? वो कहाँ पे रहता है आपका बंदा? आपका दोस्त जो कहाँ पे रहता है? वो बावधान में ही है, चांदनी चौक के पास। बावधान? हाँ नहीं नहीं वहाँ पे नहीं है सर। उससे करीब 2 किलोमीटर के आस पास है, 2 किलोमीटर दूर पड़ता है हमसे बावधान। कहाँ से कहाँ से? 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है हमसे बावधान। अच्छा ठीक है ना, क्या 2 किलोमीटर के यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्टेंस नहीं है आपको। मेरे यहाँ से बावधान कितना है? 2 किलोमीटर मेरे यहाँ से बावधान है, वहाँ से 2 किलोमीटर आपका, 4 किलोमीटर क्या दिक्कत है? नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम
पेमेंट में ना उसके पास क्या ऐसा करो, आप अपने बेटे के अकाउंट में डाल दो, उसको बोलना कि आप आके सामने सामने पहले साइकिल देख ले, उसके बाद क्या कि वो साइकिल देख लेगा, उसको पसंद आ जाएगा तो सामने सामने हम लोग बात कर लेंगे कैसा करना है करके। नहीं आपको आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना? नहीं नहीं विश्वास वाला बात नहीं है ये, कैसा ना कि बैंक अकाउंट वाला वो जो झमेला है ना, वो कहाँ वो बैंक अकाउंट वाला झमेला करते थे, उससे अच्छा अपना कैश ट्रांसफर हो जाएगा ना। आप ये बताओ, आपको जब कोई पेमेंट डालता है आपके अकाउंट में तो आपको मैसेज आता है ना मोबाइल पर? हाँ मैसेज आता है ना। हाँ आता है ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ आप अपना कार्ड मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपके कार्ड में ऐड कर दूंगा पेमेंट, ठीक है? वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा जैसे कार्ड पे। नहीं नहीं कार्ड से ऐड क्यों करोगे आप, अकाउंट नंबर से क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? तो सब मशीन सर अकाउंट नंबर, अकाउंट जैसे कि IFC कोड होता है, नेम होता है और अकाउंट नंबर होता है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है सॉफ्ट मशीन में, ओनली कार्ड लगता है। जैसे कि शॉप मशीन क्या है मुझे मालूम नहीं है। नहीं इसलिए बोला ना, ये सब झमेला करने से अच्छा जो आप रेगुलरली आप करते हो ना आपके बेटे के अकाउंट में करते हो, वैसे भी आप घर पे ट्रांसफर कर ही देते हो, वो लोग तो यूज कर ही रहा है ना, तो उनके अकाउंट में करने का दिक्कत नहीं है। देखो जो अकाउंट है वो मेरी वाइफ का, ठीक है? ठीक है नहीं नहीं ठीक है, तो जब आएगी तब हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो उसका क्या क्या मालूम कब आए, 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, पता नहीं, शादी में गए होंगे। नहीं तो फिर आपके बेटे को कैसे वो पैसा मिलेगा उसको जब जरूरत हो तो? क्या आपके बेटे को कोई की चीज के लिए जरूरत रहेगा तो पैसा उसको कहाँ से मिलता है फिर? नहीं इतना इतना पैसा था उसके पास खर्च खर्च के लिए। हाँ तो खर्च के लिए है ना पैसा उसको, तो आप वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं साइकिल रखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बोलना पहले आके साइकिल देख के मिल के चले जाए मेरे, उसके पास है ना जो भी रहेगा 100-200 रुपए भी मेरे को उसने अगर दे दिया मैं उस साइकिल होल्ड करके उसको बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, मैं यहीं पे हूँ परमानेंटली तो उसका कोई इशू नहीं है। देखो अंकल आप ये बोल रहे हो कि साइकिल मुझे देनी नहीं है ना? आपको आपको साइकिल देनी नहीं है? नहीं नहीं अब वो झमेला मत रखिए उसमें, वो अपना जो भी है कैश पे भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको ATM कार्ड व्हाट्सएप करता हूँ, सत्यम का सत्यम को मैंने पेमेंट जमा कराए थे। नहीं नहीं जो भी है आप वैसे मत कीजिए, कुछ व्हाट्सएप वगैरह मत कीजिए, फाइनेंशियल आपका कार्ड वगैरह आप व्हाट्सएप वगैरह पे मत कीजिए सर, क्या भरोसा कभी कुछ हो जाए? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं ठीक है, मेरे दोस्त का है सत्यम त्यागी, मैंने उसको पेमेंट किया था अभी। अभी आपका पोस्टेड कहाँ हो आप? क्या आप पोस्टेड कहाँ पे हो? दिल्ली। दिल्ली में हो क्या? दिल्ली में कहाँ पे? क्या सर? दिल्ली में कहाँ पे? क्या बोल रहा? दिल्ली में कहाँ पे हो? एयरपोर्ट पे, ओल्ड दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे? दिल्ली एयरपोर्ट है फिलहाल मेरे बेटे। कौन सा? इंदिरा गांधी? क्या? कौन सा एयरपोर्ट पे? ओल्ड दिल्ली एयरपोर्ट, ओल्ड दिल्ली। अच्छा ओल्ड दिल्ली एयरपोर्ट पे है क्या? आप कोई चिंता मत करिए, आप अपने बेटे को बोलिए कि पहले आके साइकिल देख जाए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, मैं होल्ड करता हूँ साइकिल, में दूंगा नहीं किसी को। अरे सर आप ये बताओ, आप मैं लड़के को भेज दूँ ठीक है, और आपकी पेमेंट नहीं हो पाई फिर क्या करोगे आप? नहीं नहीं आप उसको भेज तो दो साइकिल तो देखने दो उसको, पेमेंट आज नहीं होगी 10 दिन के बाद होगी, उसमें क्या दिक्कत है? 10 दिन के बाद होगी। अब आप ये बताओ, मेरे पास यही तरीका है पेमेंट डालने का जो मैंने आपको बता दिया है, नहीं नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप अरे यार आप फौजी हो? अच्छा आप ऐसा करो, हेलो देखो आप, मैं आपके कार्ड में पहले 100 रुपए जमा कराता हूँ ठीक है, 100 रुपए कार्ड वाला झंझट मत रखो, अभी कार्ड वाला झंझट ही मत रखो, आप है ना ऐसा करो पहले अपने बेटे को भेज दो, उसको देखने दो साइकिल, जो भी रहता है जैसा रहेगा मैं उससे बात कर लूंगा यहाँ पे, आप वहाँ पे वो चाहिए तो मैं आप उसको साइकिल भी दे दूंगा, वो यूज भी करेगा,
आप आराम से बाद में पैसा भेज देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मैं शुरू भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।